वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी पे चल रही है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो आजकल मीडिया ने भी उठाई हुई है। वैसे अब कम हो गई है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया है। तो भाई, सीन कुछ ऐसा है कि ये वीडियो है रिगार्डिंग जो ओवैसी है और जो इंडिया में उनके बारे में मुस्लिम फीमेल्स क्या कहती हैं, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। एंड इसके अलावा हम जानेंगे कि किस तरह से जो है वहाँ पर हिजाब के ऊपर जो मेन फीमेल्स का जो सोच है वो हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी यूपी के इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो उसके ऊपर जो है वो आजकल लोग क्या कहते हैं, वो भी आज इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो करें वीडियो को स्टार्ट। जो बयानबाजी और ये सब लेकर जो हिजाब मार्च और हमारी बहनें और हमारी महिलाएँ जो हो रहा है, वो एक्चुअल में अपने नहीं है। वो शैतानी ताकत हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि जो बच्चियां इस टाइम, जिनका सिर्फ हमेशा से अभी एजुकेशन वैसे ही लड़कियों के लिए हमेशा से डाउन रखा है, पीछे रखा गया है, जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं उनको बजाय पढ़ने के उनको जो है भटकाया जा रहा है, सब मुस्लिम्स को भटकाया जा रहा है ये सोचकर कि हमारे हिजाब पर हाथ डाल रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आज तक की जो भी मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ, मेरे पूर्वज भी यहीं के, मैंने तो जितनी आज़ादी और जितनी तहजीब इस भारत देश में, संविधान में, इस देश में, इस जगह पाई है, वो मैंने कहीं नहीं पाई है। कहीं कभी आप उठा के देख लीजिए हर चीज़ का। और रहा कॉलेज और स्कूल का, तो कॉलेज स्कूल में अगर हमको ये लगता है, सपोज़ मेरा, मैं हिजाब में हूँ और मैं हर जगह हिजाब में होती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे एजुकेशन के लिए इस कॉलेज में आना है और मुझे एजुकेशन लेनी है, तो मैं अपना हिजाब घर से करूँगी, बाउंड्री के पहले उस हिजाब को मैं बैग में रखूँगी और बराबर उन बच्चों के साथ बैठ के अपनी एजुकेशन हासिल करूँगी। उसके बाद जब बाउंड्री से बाहर निकलूँगी, अपना हिजाब लूँगी, अपने घर चली जाऊँगी। मैं संविधान के साथ हूँ। अगर संविधान को ये लगता है कि सारे बच्चों का, बच्चे एक साथ दिखने चाहिए, क्योंकि हम लोग कॉलेज स्कूल किस लिए जाते हैं? डिसिप्लिन के लिए। अगर उनको लगता है कॉलेज को उनके डिसिप्लिन में कि सारे बच्चे एक जैसे लगें, जब हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम लड़के लड़कियों के साथ पढ़ सकते हैं, तो हमें ये चीज़ का फॉलो करना, हमें संविधान के साथ रहना चाहिए। हमें ये भड़काऊ जो शैतानी ताकतें जो हर टाइम अभी चुनाव के टाइम लगी हुई हैं और हर टाइम वो बीजेपी आरएसएस बीजेपी आरएसएस पर जो निशाना साधते रहते हैं, और जो मुसलमान, ये मुसलमान महिलाओं के ठेकेदार बनते हैं या नॉन मुस्लिम उनके ठेकेदार बनते हैं, हमारे ठेकेदार बनने की ज़रूरत नहीं है किसी को। हमें इतना सक्षम होने दें कि हम अपने ठेकेदार खुद हैं। आप खुद सक्षम हैं? हाँ, हम खुद सक्षम हैं कि हम अपने ठेकेदार खुद हैं। अगर हमको लग रहा है कि हिजाब करना हमारे लिए ठीक है, मान लिया कि पर्दा एक ऐसी चीज़ है कि हमारे इस्लाम से चला रहा है, उसे हमारे इस्लाम से हुक्म है, तो उससे पहले हमारा जो निगाह का पर्दा है वो सबसे मेन है। मुझे लगेगा कि यहाँ कॉलेज में मुझे नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है। जो भी बच्ची अपनी मर्ज़ी से उसको पहन के फॉलो करना चाहती है वो उसको पहने। ये सिर्फ शैतानी ताकतें हैं जो हिजाब मार्च हिजाब को पकड़ लिया है कि मुस्लिम महिलाएँ वो वैसी तो हमेशा से ही ऐसे किसी न किसी विवाद को लेकर चलते रहते, जो ये विवाद इस टाइम पैदा हो रहा है वो सिर्फ शैतानी ताकत है जो शुरू से अब तक थी और अभी ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं किसी ना किसी चीज़ के ऊपर। तो इसमें ड्रेस कोड अगर लग रहा है कि हमको सपोज़ कि मुझे लॉन्ग पहनना है, बुरखा नहीं पहनना है, तो मैं लॉन्ग ड्रेस पहन लूँ ना। अगर मुझे लग रहा है जीन्स पहनना है, उस पर टॉप पहनना है, तो मैं वो पहन लूँगी। लेकिन अगर लग रहा है कि कॉलेज का पूरा ड्रेस कोड ही एक जैसा है, तो मुझे वो पहनना है, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में एजुकेशन हासिल करनी है ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट रहें। हाँ, लेकिन लड़कियां तो ये बोल रही हैं कि किताबें बाद में आती हैं, पहले हिजाब आता है। नहीं नहीं, किताबें तो चार आई हैं, जो जिस किताबों की वो बात कर रही हैं वो पहले आई हैं। अब जो कौन लड़कियां क्या बात करी मुझे तो ये नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम में किताबें जो आई हैं वो आई ही हैं। पर इस्लाम में जो पर्दा दिया है, जो वर्ड जिसको आप हिजाब बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है लोगों पर। पर्दे का तो मेन मकसद ये है कि इस्लाम में दिया गया है कि हमारी ये, हम लोगों को नाजुक समझा गया है कि जैसे कि अब ये मोबाइल का कवर है, आप इसको नए मोबाइल पर कवर लगाते हैं ताकि आपका जो मोबाइल है वो सेफ़ रहे। ठीक है, हम लोग मास्क हमारे लिए 2 साल से हम लोग लगा रहे हैं ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, एक दूसरे से इन्फेक्शन ना लगे, हमारा फेस ढका रहे, हम लोग सेफ रहें। इसीलिए जो हमारे लिए जो पर्दा है इस्लाम में
वो जायज़ है, उस पर्दे का हम सम्मान करते हैं और उस पर्दे का निगहमान ऊपर वाला है, उसकी हिफाजत हम लोग करते हैं, वो हम कर रहे हैं, वो हमारी संतुष्टि है। अगर उसमें एक महिला को ये लग रहा है कि वो पर्दे के अलावा सक्षम है, उनको लग रहा है कि वो पर्दा नहीं करना चाह रही, तो उसमें थोपने की तो कोई बात नहीं है, वो तो उनकी अपनी मर्जी। ये तौरीक रजा जो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस वाले वो नहीं चाहते कि हमारी महिलाएं पर्दा करें क्योंकि वो निहारना चाहते हैं उन्हें। अच्छा, तो बीजेपी आरएसएस वाले महिलाओं को निहारना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो तौरीक रजा है वो निहारते नहीं है? अगर निहारने वाली बात है तो उन्होंने, बीजेपी आरएसएस वालों ने कब कहां पर ये बोला है कि आप पर्दा ना करें? कहां पर, किस जगह लिखा हुआ है कि पर्दा नहीं करें, आप पर्दा करके शामिल ना हो, कॉलेज में ना जाएं, फंक्शंस में जाएं, प्रोग्रामों में नहीं जाएं? कहां मना किया हुआ है? इतने प्रोग्राम अभी अटेंड हो रहे हैं, कहां पर बुरखे वाली औरतें नहीं हैं? कहां बीजेपी ने उनको हटा दिया कि आप बुरखा उतार के आएँ? कहीं नहीं हटाया है। कहां आरएसएस ने हटाया है उनको? कहीं भी नहीं हटाया है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बहाने से जो मुस्लिम्स के हमदर्द बनते हैं, एक्चुअल में वो हमदर्द नहीं है। जब किसी घर में आग लगती है, लोग उसमें तेल डालते हैं ताकि आग भड़क जाए, कुछ तेल डालने का काम करते हैं, कुछ सेकने का काम करते हैं। बीजेपी जो आजकल काफ़ी टाइम जब से बीजेपी है, जो कुछ अच्छा मुस्लिम लोगों के लिए कर रही है, तो वो दूसरे लोगों ने नहीं किया है, तो उनको हजम नहीं हो रहा है। जब 18 से 21 साल की उम्र बीजेपी ने की, तो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुई कि हम तो 15 में ही कर देते। अरे भाई, 18 अगर उन्होंने की तो इसलिए की ताकि वो बच्ची शारीरिक और जिस्मानी रूप से वो मजबूत हो जाए और कम से कम ग्रेजुएट हो जाए। ग्रेजुएशन की भी होगी तो जब उसके वो शादी हो गई और उसे कुछ नहीं करना है, आगे उसके बच्चे हैं तो उनको पढ़ा पाएगी ना कि बेटा तुम 10वीं में पढ़ो, तुमको आगे जाके ये पढ़ना है, बेटा या बेटी जो भी उसकी लाइफ में होगा। ट्रिपल तलाक का रहा कि जी बीजेपी ने तो ट्रिपल तलाक में इंटरफेयर किया है, ये तो मुसलमानों का मुद्दा है। मुसलमानों का मुद्दा अलग चीज़ है, इसमें इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि तलाक जायज़ है। तलाक जो है बीजेपी ने तो सपोर्ट किया है, इस्लाम ने तो विरोध किया है इसका। इस्लाम ने विरोध किया, जो बीजेपी ने इसका विरोध करके इसमें जो ये किया है कि तलाक नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले इस्लाम ने विरोध किया है इसका। अल्लाह का जो सबसे नापसंदीदा वर्ड है वो सिर्फ यही है कि तलाक के नाम से सात आसमान हिल जाते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हिलते जो दे के चले जाते हैं। उस तलाक से उस औरत पर बीतती है जिसको होती है, उसके उस बच्चे पे बीतती है जो उससे वो पैदा होता है, उसके उस परिवार पे बीतती है जो जिसकी फैमिली से वो लड़की होती है। तो मतलब जो बीजेपी कर रहे हैं वो सब गलत है, जो अच्छा वो कर रहे हैं वो गलत है, बाकी सब सही है जो कि वो सही कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी अगर सही जो कुछ कर रहे हैं वो मुसलमान को लेके सही कर रहे हैं। अच्छा, कुछ गलत नहीं कर रहे। सवाल मेरा है कि इस मुद्दे को इसलिए हवा दिया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जी जी, चुनाव को लेकर। और ये भी कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं इस बार, जो उनको जो दिक्कतें थी वो बीजेपी ने खत्म की हैं, तो क्या इसी को लेकर ये मुद्दा बनाया जा रहा है और उन महिलाओं के दिमाग में भ्रम डाला जा रहा है, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। देखिए, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से उन्होंने सभी के लिए, खास तौर से मुसलमान बहनों के लिए बहुत काम किया है। शौचालय, देखिए शौचालय और शौच एक ऐसी चीज़ है जो सभी इंसानों के लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो शौचालय पॉलिसी के तहत उन्होंने शौचालय निर्माण करने की जो सुविधा दी है गाँव में, जहाँ पे लड़कियाँ महिलाएँ सुबह 3 बजे उठती थी, अजान होने से पहले उठती थी, लोटे लेकर जाती थी, कोई खेत ढूंढती थी कि वहाँ पे वो शौचालय कर सके और फिर वापस अपने घर आती थी। इससे शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि इतने सालों से, जब से भारत आज़ाद हुआ है, शौचालय और शौचालय जैसी कोई भी सुविधा महिलाओं के लिए नहीं दी गई है। मुस्लिम महिलाओं की तो बात आगे करते हैं हम। तलाक जिस तरीके से सूरे तलाक में कुरान में लिखा गया है, अगर उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी मुसलमान तलाक देगा या किसी भी बहन को इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। तलाक देने से आप ये मान लीजिए कि सिर्फ उस लड़की, उसका परिवार, उसके ससुराल वाले, उसका बच्चा, उसका गांव, उसका क्षेत्र, उसका शहर, सबके ऊपर ये बात आ जाती है। वो महिला कैसे कैसे किस दर्द से गुजरती है। और तलाक से ही उठता है एक दूसरा मसला, जो कि है हलाला, कि जी हलाला वाली शर्त भी आ जाती है कि हमने गलती से तलाक दे दिया है, अब हम फिर से निकाह करना चाहते हैं। क्या ये किसी भी महिला को गवारा होगा कि वो हलाला के लिए भी तैयार हो जाए? तो ऐसे जितने भी उत्पीड़न वाले मामले थे मुस्लिम महिलाओं के लिए स्पेशली, उसके लिए सरकार ने कानून बनाया। क्या वो बीजेपी, आरएसएस, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ऐसे संस्थाओं को ही ज़रूरत थी कि वो मुस्लिम महिलाओं के लिए खड़ी हों? इंडियन पर्सनल लॉ के नाम से जो एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही है, क्या उन्होंने मुस्लिम बहनों और माताओं के लिए कुछ नहीं सोचा?
क्या उन्होंने सही मायने में शरीयत को फॉलो करने की कोशिश करी, क्या वो अवेयरनेस, वो जागरूकता पैदा करी, नहीं करी। ऐसे कट्टरपंथी और रूढ़िवादी सोच रखने वाले जितने भी नेता हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको दूर रखा जाए और उन्हें खास तौर से मुस्लिम महिलाएं अब आगे खड़ी हों और जवाब दें कि हम खुद सुरक्षा जानते हैं, हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं, अपनी बेटियों की सुरक्षा करना जानते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी मुस्लिम परिवार में जाते हैं जो पुरानी सोच के हैं, ख्यालात के हैं, वो अपनी बहुओं को, बेटियों को, माताओं को किसी भी हॉस्पिटल में जाने की भी अनुमति नहीं देते हैं जहाँ पे मेल डॉक्टर्स होते हैं, पुरुष डॉक्टर्स होते हैं। आप ये सोच तो रखिए कि वो पुरुष डॉक्टरों के जगह पे महिलाएं डॉक्टर या लड़कियाँ कैसे बनेंगी डॉक्टर अगर आप उन्हें पढ़ने लिखने ना देंगे। आप 14-14, 15-15 साल पे लड़कियों की शादी कर देते हैं, आप उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। हज़रत खदीजा एक उम्र में बड़ी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी वो उनसे उम्र में बड़ी थी। दूसरी अपने वालिद का जो बिजनेस है उसको संभालती थी, बखूबी संभालती थी। क्या वो बिजनेस संभालते हुए गैर मर्द, गैर लोगों से उनकी मुलाकात नहीं होती थी, बातचीत नहीं होती थी, उनके ऊपर किसी की हिम्मत थी कि वो उंगली भी उठा सके? नहीं, वो अपना घर भी चलाती थी, अपने वालिद का घर भी संभालती थी। और उसके बाद एक बड़ी उम्र की महिला होते हुए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से शादी भी करी। जब आप इस्लाम और कुरान की बात करते हैं तो आप इस्लाम और कुरान की बात करिए जिसको आप फॉलो करें। आप कुरान पढ़वाते हैं, जितने भी मौलाना हैं, मौलवी हैं, आप कुरान पढ़ाते हैं अरबी में। भाषा आज के दौर पे जो चली जाती है वो उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है। आप अपने बच्चों को तर्जुमे के साथ पढ़ाइए, आप उन्हें पढ़ाइए हिंदी में ताकि उनको आसानी हो जाए इन बातों को समझने में और समझ के फिर उसको फॉलो करने में। आप चाहती हैं कि जो कुरान है वो हिंदी में पढ़ाई जाए ताकि समझ में आए? देखिए, मैं ये चाहती नहीं हूँ, उसका तर्जुमा, उसका तर्जुमा ज़रूर समझ में आना चाहिए ना। आप हिंदी में, आप किसी भी भाषा में, सबसे पहली बात है अरबी में ज़रूर पढ़िए, पर साथ ही साथ में आपको ये चाहिए कि आप बच्चों को उसको समझाइए, आप आसानी से समझाइए। और अगर वो खुद पढ़ना भी चाहते हैं तो आप उन्हें हिंदी में पढ़ने की अनुमति दीजिए ना जी। अब ये जो ठेकेदार हैं वो आप लोगों के हिजाब को लेकर, आप लोगों की सुरक्षा को लेकर हिजाब मार्च निकाल रहे हैं, तो वो भी तो आपके पक्ष में ही होगा ना। देखिए, हिजाब मार्च निकालना या हिजाब का मुद्दा बनाना ही सबसे पहले गलत है। आप हिजाब को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप पढ़ाई को मुद्दा बनाइए, आप शिक्षा को मुद्दा बनाइए, आप शिक्षा के राह पे आने वाली कोई भी चीज़ है उसको मुद्दा बनाइए। आज तक शिक्षा या बच्चों के बीच में धर्म की कहीं कोई जगह नहीं थी। आपने हिजाब को एक धार्मिक तौर पे इस्तेमाल किया है, आपने बच्चों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है, ये गलत है। आप हिजाब की बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूँ कि हिजाब अगर मुसलमानों में है तो हिंदुओं में क्या पर्दा नहीं है? क्या सर पे दुपट्टा रखना नहीं है? आप राजस्थान के, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, यहाँ यहाँ तक लंबे लंबे पर्दे होते हैं, तो क्या वो पर्दा नहीं है? तो पर्दा, हिजाब, धर्म, इन सब चीज़ों को बच्चों की ज़िंदगी से हटाइए। जो संविधान है इस देश का, जो लॉ ऑफ लैंड है, हुबली वतनी, आप बच्चों को हुबली वतनी जैसे कॉन्सेप्ट समझाइए जो कि इस्लाम के दायरे में है। इस्लाम कहता है जिस वतन में आप रहते हैं उस वतन की जो कानून है, जो उसको है, उसको आप फॉलो करिए। क्या ये आपको सिखाता है कि आप हिजाब धर्म के बारे में आप लड़ाई करना शुरू कर दिए? आप हुबली वतनी बनिए, आप इस देश को आगे प्रगति के ओर ले जाने के लिए आगे बढ़िए। क्या यही लोग हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ने देते हैं? 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी शहरों में, मुसलमान अच्छे खानदानों में। अब 21 साल का कानून लाना पड़ा, उसकी भलाई किस में है? किसकी है उसकी भलाई? हम सभी में है, क्योंकि अब हमारी बेटियां सिर्फ 12+ नहीं करेंगी, हमारी बेटियां ग्रेजुएशन कर सकती हैं, BA MA कर सकती हैं, BEd कर सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, आसमान तक जा सकती है। जब एक लड़की कुछ अच्छा काम करती है पूरा का पूरा गाँव उसके लिए खुश हो जाता है। जब आप उस लड़की को मौका देंगे तो ही तो वो लड़की कुछ कर पाएगी, आप उसे बोझ बांधना छोड़ दीजिए। लड़कियाँ खुद अपनी दहेज हैं, दहेज प्रथा को ख़त्म करिए। ये वही समाज के ठेकेदार हैं जब अपनी बेटियों का रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले दहेज की बात होती है, तो आप अपनी बेटियों को बेचते हैं।
आपकी बेटियां किसी दहेज के मोहताज होती हैं? वो आपके लिए इतनी ज़्यादा आपके कंधों पे बोझ है कि आप उसको बेच देते हैं दहेज के नाम पे? ये जितनी भी रूढ़िवादी सोच है, इन सारी सोच को हटाकर सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की, अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के बारे में सोचना चाहिए, और ख़ास तौर की बच्चियों के लिए। हम हिजाब के खिलाफ नहीं हैं, ना ही हम ऐसी किसी सोच के खिलाफ हैं जो आपको आपके धर्म को आगे ले जाने के लिए मना करता है। पर आप हिजाब को इशू मत बनाइए, आप इशू बनाइए पढ़ाई लिखाई को लेकर, बेहतर स्तर की पढ़ाइयों को लेकर। आप समझ लीजिए, जो भारत का संविधान है वो तक कहता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। और जब मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस्ट है, अगर मैटर कहता है, अगर कोर्ट कहता है कि आप पहन लीजिए तो पहनिए, स्वागत करिए। अगर कहता है मत पहनिए, मत पहनिए, उसका भी स्वागत करिए। शिक्षा के आंखों में कोई अनेक या अलग अलग धर्मों से आए हुए लोगों के बीच में शिक्षा के आंखों से, उसके नज़रियों में सब इक्वल है, सब बराबर है। इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, हमारे इस्लाम पर खतरा आ रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है अगर स्कूल ने बोल दिया कि आप सभी को एक तरीके से आना है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन से पहले हमेशा हिंदू मुस्लिम्स करते हैं, उससे पहले और उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ऐसा क्यों होता है? ये तो हमारी खुद की मर्ज़ी है, मैं बुरखे में हूँ, वो सूट में है, सब अलग अलग हैं, कोई हिजाब में है, कोई कैसे है, तो उस पर किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना ही हमारे घर के, हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स, ऐसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत सारे बच्चे एक ही फैमिली के अंदर, चार पाँच बहनें भी होती हैं, सब अलग अलग ढंग से रहती हैं, कोई जीन्स भी पहनती है, कोई बुरखा पहनती है, कोई शॉल से बाहर, तो उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो इस चीज़ को मुद्दा ना बनाया जाए। और मोदी जी की सबसे बड़ी स्कीम जो है ट्रिपल तलाक को लेकर के, उसमें मैंने खुद देखा है अपने क्षेत्र के अंदर कि जितनी भी लड़कियां थीं, हमारी बच्चियां थीं, जिनकी टाइम से पहले शादियां करा दी गई थी, और वो एक एक दो दो बच्चों के साथ घर बैठी हैं, उसका तो इन्होंने इतनी जल्दी मुद्दा नहीं बनाया। मुद्दा किसने बनाया जी? हमारी बीजेपी ने बनाया, हमारे मोदी जी ने बनाया, उन्होंने महिलाओं का सपोर्ट किया। वो महिलाओं का सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी चीज़ें ये अच्छी तरीके से दिखा क्यों नहीं रहे? वो क्यों दिखा रहे हैं कि हिजाब को लेके मुद्दा बनाया जा रहा है जी, हिजाब के ऊपर हाथ डाल रहे? ऐसा तो किसी ने कुछ करा ही नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ देखा भी नहीं है। अभी मैं खुद भी आती जाती रहती हूँ तो मुझे तो किसी ने नहीं बोला आप अपना बुरखा उतारिए। तो उस चीज़ को मुद्दा ना बनाया जाए, इसको लड़ाई ना करवाई जाए। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सब आपस में हैं। और रही बात किताबों की, जिस लड़की ने ये बयान दिया है कि हमसे हिजाब से पहले हमारे लिए किताबें हैं, पोस्टर बैनर लग रहे थे, महाराष्ट्र में रैलियाँ हो रही हैं वहाँ पर, और वो बताया जा रहा है कि किताबें जो हैं वो बाद में आती हैं, पहले हिजाब आता है। तो पहले हिजाब आता है तो हिजाब की बात यहाँ कहाँ हो रही है? वहाँ तो उससे कुछ बात हुई ही नहीं थी, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो हिजाब को लेकर के जितनी भी ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, तो किताबें की अगर बात की जाए तो किताबें तो सिर्फ चार ऊपर से उतरी हैं, कुरान शरीफ, तौरीद, इंजीर और बाइबल, उसके अलावा कोई किताब है नहीं। तो इन्हीं चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ करके वो पेश कर देते हैं अपने हिसाब से, अपने ढंग से, जैसा जिसका मन करता है। तो आप उस चीज़ को देखिए, अगर आपको स्कूल में परमिशन मिलती है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर दो ड्रेसें दी गई हैं, सूट भी है, स्कर्ट भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्कर्ट में ही जाएंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सूट पहनकर ही जाएंगे। वो आपकी भी चॉइस है ना कि आप क्या पहनना चाहते हो वहाँ पर। तो उस चीज़ का मुद्दा ना बनाया जाए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं सब लोग एक हैं, तो उसका हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा ना बनाया जाए, और हिजाब और बुरखे को लेकर इशू ना बनाया जाए बिल्कुल भी जी। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल बयान दिया जा रहा है, इसे क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा? जैसे आपने कहा कि चुनाव से पहले ही हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और अगर पड़ेगा तो किसको फ़ायदा होगा? फ़ायदा किसका होगा? एनडी पार्टी को होगा ना, शैतानों को फ़ायदा होगा उस चीज़ से। जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसका फ़ायदा ही तो उठाना चाह रही हैं, क्योंकि मोदी जी ने इतनी सारी स्कीमें निकाली हैं महिलाओं को लेकर के, इतनी सारी पॉलिसीज़ दी हैं महिलाओं को लेकर के, उनको आजकल घर बैठे बैठे, कुछ काम भी नहीं हो रहा तो उनको बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो घर बैठे बैठे उनको रोज़गार मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, पेंशन वगैरह मिल रही है। और किसी पार्टी ने किया है क्या? अगर किया है तो आप दिखाएँ उस चीज़ को, हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं। सिर्फ मोदी जी की स्कीम के अलावा हमने अभी तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं है ना जो किसी की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, ओवैसी ने बोला था कि जब आप वोट डालने जाएं तो हिजाब में जाएं। ओवैसी जी का क्या है, वो तो डबल मीनिंग बातें करते हैं। मेरे पास तो उनके ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ आए हुए हैं कि जी वो एनडी पार्टी के साथ बैठे हैं, दुश्मनों के साथ बैठे हैं, फिर वो मुस्लिम मुस्लिम भी करते हैं, वो खुद मुसलमान हैं, उनको ये नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं, और वो खुद ही अपने झूठ में फिर गिरफ्तार भी हो जाते हैं। वो अपने झूठ में ही तो गिरफ्तार होते हैं ना, उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो पार्टी को टारगेट करते हैं और फिर पार्टी के साथ भी रहते हैं, मतलब तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वोट देने का भी ड्रेस कोड जो हिजाब कर दिया है? नहीं, जो वो कहने कि हिजाब में जाएं,
मतलब वोट डालने का कोड भी जो है वो तय करेंगे वो वैसे ही कि हिजाब में जाए, उन्हें किसने हक दिया इस बार वोट देने के लिए, उन्हें किसने हक दिया इस बार का? हक देंगे मतलब अब वो समाज के वो ठेकेदार बन गए हैं कि वो अब एक नोटिस जारी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि महिलाएं जाए हिजाब पहनने के लिए, तो ये भड़काऊ भाषण नहीं है तो क्या है? अगर कोई समाजवादी पार्टी की महिला अगर ऐसा कहती है कि जी हाथ काट दिया जाए कि जी जो हिजाब पे या बुरखे पे हाथ डालेंगे, तो मैडम उन्हीं नेता के लिए मैं ये कह देती हूँ कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि कोई हाथ डाल रहा है, और अगर जो बुरखा पहन रही है क्या वो अपने आप को बचाने के लिए सक्षम नहीं है? और तीसरी चीज, आप कौन होती हैं उसको ये हिदायत देने वाली कि जी हाथ काट दे? आप कैसे बच्चों को आज की डेट में आप बच्चों को दिखा रही हैं और सिखा रही है वायलेंस का हिसाब कि हाँ जी वायलेंस का साथ लिया जाए? पुलिस तक पहुंचने के लिए आप क्रिमिनल बना रही, आप पुलिस तक ले जाने के लिए इंस्टेंट कहने के लिए कि आप कहीं गली मोहल्ले में हो और अगर आपके साथ ऐसी कोई वारदात हो रही हो तो आप मुझसे संपर्क करें, बेहिजक संपर्क करें, ये कहने के बजाय आप कह रहे हैं हाथ काट दे? आप मतलब ऐसी सोच रख रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी सोच सिखा रहे हैं कि आप बन जाइए क्रिमिनल, बन जाइए जो बच्चियां पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर वकील बनना चाहिए उनको आप क्रिमिनल बना रही हैं और उनकी हमदर्द बन रही है कि आप मुझसे संपर्क करें मैं आपको बचाऊंगी बताऊंगी इनका हाथ काट दीजिए। जो पर्दे में खुद लड़कियां होती है ना उनका सबसे पहला जो पर्दा है ना वो उनकी निगाह है, उनकी ताकत है, ठीक है, और उसके ऊपर आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला, नहीं डाला। मैं ये कहना चाहती हूँ इससे पहले मोदी जी की स्कीम आने से पहले जो 18 से 21 साल की उम्र उन्होंने अब रखी है, इससे पहले लड़कियों को बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिलती थी। सारी लड़कियाँ आप जितनी भी पीछे जाकर देखोगे ना सब विदाउट एजुकेशन है, जिनको कोई एजुकेशन नहीं मिली वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, वो हमेशा दूसरों की मोहताज रहती हैं, अपने परिवार की, अपने हस्बैंड की, अपने भाइयों की, सबकी मोहताज रहती हैं। आज का टाइम ऐसा है कि लड़की खुद पढ़ लिख के आगे बढ़ रही है, जॉब कर रही है, खुद को भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है, तो इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था क्या? फ्रेंड्स ये वीडियो है हमारी आज की जिसमें फीमेल्स जो हैं उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है और वो ये कहती हैं कि भाई जो एक तो सबसे पहले तो उन्होंने दो तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात की और लास्ट वाली जो फीमेल है उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की जो मीट में आई थी और उन्होंने बहुत ही अहम पॉइंट पे और बहुत ही ऑनेस्टली जो आंसर्स हैं वो किए हैं और ये आंसर हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई जो है वो मतलब कि ये डाइवोर्स वाला जो सिस्टम है ये उनके लिए एक रूल बहुत अच्छा लेकर आए हैं कि ये तीन तलाक वाला जो सिस्टम है उनसे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी, मिल रही है, बल्कि इससे पहले वो बहुत ज़्यादा वरीड रहती थी लेकिन अब ऐसा उनके साथ कुछ नहीं है। सारी बात है जब वो लेंगी डाइवोर्स मिलता है उनको या फिर कोई भी उनके तीन तलाक मुंह से बोल देता है तो जाहिर सी बात है उसके बाद क्या होता है, वो फीमेल के ऊपर क्या गुजरती है वो वही जानती है या उसकी फैमिली जानती है क्योंकि उन लोगों के साथ इतना बुरा वक्त गुजर रहा होता है और जो है वो सारी चीज़ें इस तरह से ही सारी मैनेज होती हैं, ठीक है। तो अब ये है कि फिर उसके जो बाद में अगर मेल ने गलती से भी कह दिया या उनके मुंह से निकल गया बाद में उसको अफसोस हुआ कि वो मैंने क्या बोल दिया या क्या कर दिया तो फिर क्या करते हैं कि वो लोग इस चीज़ को दोबारा से रिपीट करते हैं या फिर वो कहते हैं कि चलो हम खुला करते हैं या फिर हलाला कर लेते हैं। हलाला मीन्स कि आप दोबारा से री मैरिज करो पर उसका भी पूरा प्रोसेस होता है कि आप पहले अदर पर्सन से जाकर मतलब उसकी वाइफ बनो फिर उसके बाद तो हलाला भी इस तरह से ही होता है हलाला और उसके बाद फिर यह है कि उसको फीमेल को पहले किसी और से शादी करनी फिर उसके बाद दोबारा से वो डाइवोर्स लेकर अपना यहाँ पर आएगी, ऐसा होता है यार। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है और हाँ ठीक है आप पहले सोच लो समझ लो फिर फैसला करो। तो गवर्नमेंट ने वहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छा स्टेप है, इससे जो है वो वहाँ की फीमेल्स बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगी। और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि तीन तलाक वाला सिस्टम लेकिन फिर भी नॉर्मली जहाँ भी होता है बहुत ही गलत है, मैंने आज तक इस तरह का कोई सिनेरियो देखा नहीं है, बहुत रेयर देखा है लेकिन यह है कि होता तो होगा यकीनन जब ये सब कुछ है तो होता भी होगा। दूसरा फिर वो डॉरी के ऊपर बात आ जाती है तो डॉरी यार एक बहुत ही बड़ी और अहम चीज़ है और वो ये है कि आप जब भी कुछ किसी से लेते हो या फिर मतलब कि आप एक मुझे लगता है कि एक जो आप शादी कर रहे होते हो बच्चों की तो उसमें आपको आजकल जो हमारे यहाँ पर सिस्टम चल रहा है वो ये है
कि उनको मतलब कि रिश्ता पक्का होते ही उन लोगों की सबसे पहले डिमांड्स क्या होती हैं कि भाई बॉय की और उसके ग्रूम के जो घर वाले होते हैं उनकी डिमांड होती है कि भाई हमें ये चाहिए, वो लिस्ट बना के पूरी दे देते हैं, जैसे कि उनको कुछ खरीदना है, ठीक है ना, वो कुछ जो है वो खरीद रहे हैं, पे कर रहे हैं, ऐसे लगता है भाई वो तो हुक्म जताना शुरू हो जाते हैं, हमें कार चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें। तो एनीवेज ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ पर ये एक बहुत ही गंदा रूल है, तो इस रूल को चेंज होना चाहिए और इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो फीमेल्स जो लोग ऐसा करते हैं तो वही आप क्या सेल कर रहे हो क्या गर्ल्स को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करो, ठीक है, ये रिस्पेक्ट की बात भी है और साथ में आपके ऊपर कोई वो परेशानी तो नहीं है ना, जो आप उसको ज़बरदस्ती ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट करवा दो जो कि इस लाइक भी ना हो, है ना, तो ये भी बात है। तो दूसरी बात यह है कि हिजाब के ऊपर जो प्रोपेगेंडा लेकर आया, तो भाई प्रोपेगेंडा यही है कि मैंने पहले भी काफ़ी बार ये कह दिया है कि ये एक पूरा एक प्लानिंग हुई हुई है जिसमें लोग जो हैं ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। प्लानिंग कैसे हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। प्लानिंग इस तरह से होती है कि ये लोग पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जब कुछ होना है, अब इलेक्शन होने वाले हैं, मोदी गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, तो लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ों को उस दायरे में लेकर आ जाते हैं ताकि ये सब कुछ दोबारा से कंटिन्यू हो और ये सारी चीज़ें हों। तो खैर मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट जो है वो जो है उन लोगों को पता है कि उनको किस माहौल में कैसे रहना है। और एक फीमेल ने इसमें बिल्कुल आंसर सही किया कि एक घर में इतनी सारी गर्ल्स रहती हैं तो उनमें से कोई किसी का लाइफस्टाइल कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, सब सेम नहीं होते, ठीक है ना, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो डिपेंड करता है अपनी चॉइस पर और दूसरा डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर या उस अदारे पर जहाँ पर आप लोग जा रहे हो। अब उनके रूल्स को आपको फॉलो करना है, वहाँ पर कोई आपकी अपनी नहीं चलती, वो वहाँ के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना, तो वही चीज़ आ जाती है कि आप रूल्स को फॉलो करो तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा। तो खैर अभी केस चल रहा है वहाँ पर और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन जो भी होगा मैं बस यही सोचती हूँ कि जो है वो प्रोपेगेंडा करने वाले इसमें जीत जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। तो बस यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहें भाई, मिलकर रहें, प्यार से रहें और एक दूसरे के साथ बन कर रहें। अब देखो ना ये लोग भी तो मुस्लिम फीमेल्स हैं और कितना वो खुश हैं और वो किस तरह से बात कर रही हैं और पॉजिटिविटी है उनकी बातों में। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के हर कोई इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें लेकर आए। तो आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।